गुड इवनिंग एवरीवन। इस वक्त अचानक आपसे बात करने का कुछ खास मकसद। 14 जुलाई, एक महीना हो गया आज सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए। सुबह से सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस, रिमेम्बरेंसेस, रिमाइंडर्स पॉपअप कर रहे थे। इन सब के बीच बहुत बिजी शेड्यूल में भी कुछ ना कुछ मन अटपटा रहा और ध्यान उधर जाता रहा। बहुत सारे फैन क्लब्स हैं, बहुत सारे सुशांत के लिए जो जस्टिस डिमांड कर रहे ग्रुप्स हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि चलिए किसी बुरी या हादसे भरी खबर के बाद ही सही, हमारा देश, हमारे लोग इकट्ठे तो हुए, एक तो हुए किसी प्लेटफॉर्म पे, बिना रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के। किसी ने जस्टिस की डिमांड तो की। अब क्योंकि ये जस्टिस जो है वो एक ऐसे इंसान के लिए मांगा जा रहा है, एक ऐसे हादसे के लिए डिमांड किया जा रहा है, ये आवाज़ एक उस हस्ती के लिए उठाई जा रही है जो दुनिया में नहीं है। दूसरा एक चीज़ जो मुझे बॉदर कर रही है पिछले एक महीने से लगातार, कि जिस इंडस्ट्री में ये सब कुछ हुआ, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, क्या उस इंडस्ट्री में अभी भी बहुत सारे ऐसे आउटसाइडर्स जो सफ़र कर रहे हैं, उन्हें कुछ फ़र्क पड़ा? या जिन लोगों की वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं, क्या उन्हें कुछ फ़र्क पड़ेगा? ये जो मुहिम हम सब लोगों ने चलाई है, क्या ये सही दिशा में जा रही है? हमें इससे क्या कुछ आउटपुट मिलेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या सुशांत को हम ये जस्टिस वाकई दिलवा पाएंगे? और उसके साथ साथ क्या उसकी फैमिली को हम उनकी कमी की कुछ भरपाई दे पाएंगे? मेरा ये बिल्कुल पर्सनल व्यू है। मैं इन एक्टिविटीज़ के, मूवमेंट के, इस डिमांड के, जस्टिस की आवाज़ के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सबके साथ हूँ। और बहुत तकलीफ़ है हमें भी अपने अंदर कि एक हंसता खेलता, वाइब्रेंट, ब्रिलियंट, जिसको लोग सच में स्टार मान रहे हैं, और वो था, उसकी हंसी अभी तक भी हमारे आँखों से नहीं जा रही है। उसकी याद, उसकी आवाज़, उसके डायलॉग्स मेरे भी दिमाग में घूमते रहते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे क्या लगता है कि जो हमारा यूथ इस वक्त एकजुट होकर इतनी यूनिटी दिखा रहा है, इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसकी थोड़ी अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, कि हम ये कमिट करें कि अपने आसपास कभी भी, किसी भी हम प्रोफाइल में हों, किसी भी माहौल में हों, किसी भी शहर में हों, किसी भी रुतबे में हों, हम कभी भी किसी के साथ ना तो ऐसा करेंगे, ना हम होने देंगे, अगर हमें वाकई ही इतना दुख है तो। दूसरा जो ज़रूरी काम, जिसके लिए मैं पर्सनली सुशांत को बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, वो हैं उसके 50 ड्रीम्स। वो लिस्ट जो उसने 50 ड्रीम्स की बना के एक गोल पोस्ट की तरह अपने रूम में लगाई हुई थी, और जो बाद में सोशल मीडिया पे बहुत वायरल भी हुई, एंड इट मोटिवेटेड मी टू मच, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था यंग जनरेशन में ऐसा कुछ पैशन देखते हुए, और वो भी ऐसा इंसान जो ऑलरेडी इतना एस्टेब्लिश्ड, इतना सक्सेसफुल, इतना वेल नोन है, सेलिब्रिटी के स्टेटस पे है, फिर भी उसके कुछ सपने हैं, और वो सपने जो बिल्कुल भी कॉमन नहीं थे, आम नहीं थे। तो मेरी आप सब बच्चों से ये गुजारिश है, उन सभी लोगों से ये गुजारिश है जो इस मुहिम में जुटे हैं कि हमें सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाना है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में से किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और ना ही उस पनिशमेंट से किसी का भी भला होने वाला है। हम चाहें हम फ़र्क ला सकते हैं, वी कैन मेक ए डिफरेंस बाय हेल्पिंग पीपल, बाय सपोर्टिंग पीपल। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट जो मैं आज आपसे करने वाली हूँ, क्यों ना उन 50 ड्रीम्स में से कुछ ड्रीम्स को ही अडॉप्ट कर लिया जाए,
उसके ड्रीम्स को अपना बना लिया जाए, अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी पोटेंशियल, अपने स्किल और अपनी रियलिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंगली, कि मैं उसमें से कौन सा ड्रीम अपना बना के पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बच्चों की मदद करना, एजुकेशन के लिए लो प्रोफाइल के लोगों को आगे लाना, प्लांटेशन, पायलट बनना और पता नहीं क्या क्या। मैंने अपने अकाउंट में पहले 50 ड्रीम्स की जो लिस्ट है वो शेयर की है, जो देखना चाहे तो वो मेरे पेज पे देख सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि प्लीज़, जो अनरियलिस्टिक है, अनअप्रोचेबल है, जिसका हमें दूर दूर तक कोई असर या फ़ायदा नहीं दिखने वाला है, हम सिर्फ उस पर्सनैलिटी को एक ग्रैटिट्यूड, एक प्यार, एक उसकी जो एक चाह थी वो देना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम श्योर भी नहीं हैं कि एक्चुअली उसकी ज़िंदगी में क्या था क्या नहीं था। ये हमारे अंदाजे हैं, वो दर्द में था, वो तकलीफ़ में था, वो डिप्रेशन में था, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं। तो उसकी ज़िंदगी को और तार तार ना करते हुए, उससे जुड़े हुए रिश्तों को और शर्मसार ना करते हुए, उसकी फैमिली को और बेजार ना करते हुए, हम सच में अपना प्यार दिखाएं, हम सच में अपनी एप्रिसिएशन दिखाएं, हम सच में ग्रैटिट्यूड दिखाएं, हम उसकी तरह हंसें, हम उसकी तरह खिलखिलाएं, हम उसकी तरह मल्टी टैलेंटेड अपने प्रोफाइल में स्किल्स ऐड करें, हम उसकी तरह वाइब्रेंट पर्सनैलिटी के मालिक बनें, हम उसकी तरह ड्रीम्स बनाएं, गोल्स बनाएं और फिर उन्हें अचीव करें। और जहाँ कहीं हमें किसी के साथ कोई ज़्यादती होती लगती है, किसी के साथ अनफेयर मीन्स अप्लाई होते लगते हैं, वहाँ हम साथ के साथ आवाज़ उठाएं, वहीं रहते ताकि सफरर को कुछ बेनिफिट मिले, वो विक्टिमाइजेशन से कुछ पावरफुल सिचुएशन में आ सके। देखिए, जब सांप निकल गया तब लकीर पीटने से कुछ नहीं होता, और सिर्फ हमारे देश की त्रासदी यही है कि जब कुछ घट जाता है तब हमारे अंदर कुछ घटता है, लेकिन उससे किसी का कोई फ़र्क या कोई फ़ायदा नहीं होता। जिन बड़े बड़े बिग बैनर्स के खिलाफ हम आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली पॉलिटिशियंस के साथ मिली भगत के एक मालिक हैं। उनकी रहनुमाई में देश चल रहा है, देश की कंपनियां चल रही हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिशियंस की रहनुमाई में बॉलीवुड इंडस्ट्री चल रही है, तो ये घी खिचड़ी हमसे अलग नहीं होगी। हमें पावरफुल बनना है, हमें अगर स्ट्रांग बनना है, हमें अगर इनसे जवाब मांगना है, तो हमें अपने स्किल को डेवलप करना होगा, हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होगा, हमें नाजायज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत इकट्ठी करनी होगी, और वो तब जब उसकी ज़रूरत है प्रैक्टिकली, जिस भी फील्ड में, जिस भी माहौल में, जिस भी प्रोफाइल में, जिस भी रोल में, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिस भी कैपेसिटी में हम हैं, तो हम किसी भी पावरफुल अथॉरिटी से, जो खासकर अनएथिकल है, इलीगल है, अनफेयर है, उससे ना डरें। और अगर हम सफरर हैं तो प्लीज़ वक्त रहते अपनों से बात करें, अपना दुख सुख शेयर करें, फेक हंसी के अंदर अपने दुख नहीं छुपाएं। ऑल इज़ वेल वेल कहना और पॉजिटिविटी रखना बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी में तकलीफ़ों को हंसी में उड़ाना भी बहुत अच्छी बात है, तब तक जब तक वो हमें अंदर तक चोट ना पहुंचा रही हों और वो कचोट ना रही हों, हम पे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो। अगर वो किसी तरह से भी हमारी डेली फंक्शनल लाइफ को डिसफंक्शनल कर रही हैं, हमारे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं, हमारी सोच को नेगेटिव कर रही हैं, हमारे जीने की चाह को कम कर रही हैं, तो फिर वो फेक हंसी, वो फेक पॉजिटिविटी बहुत ख़तरनाक है। तो अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख लिए, उनके रहते वक्त रहते उनके साथ वक्त बिताइए, और किसी के दुख में अगर थोड़ा सा सुख शामिल कर सकें, किसी की फेक हंसी को रियल हंसी बना सकें, तो वो बनाएं। और हाँ, मेरे यंग फोर्स, मैं बार बार कहूँगी कि 50 ड्रीम्स सुशांत सिंह राजपूत के, खासकर वो फैंस क्लब, वो जो जस्टिस डिमांड कर रहा है, वो सारा ग्रुप, इतने सारे ग्रुप सोशल मीडिया पे बन गए हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ उसके ड्रीम्स को अडॉप्ट करें, ये बीड़ा उठा लें कि उसने जो जो सपने देखे थे, हम सब मिलके वो सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। एक्चुअली तब आसमान में वो चमकता हुआ सितारा मुस्कुराएगा, उसे शांति मिलेगी, उसे खुशी मिलेगी, और फिर वो भी दुआ करेगा।
एक्चुअली तब उसे रियल सेंस में जस्टिस मिलेगा कि जो वो अपनी ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पाया वो उसके चाहने वाले उसे अचीव करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।